हेलो दोस्तों, मैं मुकेश तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लीज पे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक हम लोग देख रहे थे, तो अब हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है चट्टान रॉक। ठीक है, तो आज हम इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि चट्टान होता है क्या। तो जो चट्टान है वो तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले ठोस और मुलायम ठोस और मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के सम्मिश्रण से या मिश्रण से हुआ है। ठीक है, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जिन तत्वों से खनिज तत्वों से पृथ्वी क्रस्ट का निर्माण हुआ, पहले एक बेसिक चीज देख लेते हैं, वो पाए जाने वाले खनिज तत्व तो है कौन कौन। तो पृथ्वी के क्रस्ट का पूरा निर्माण 110 तत्वों से हुआ है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी के 98% भाग की संरचना मात्र 8% सॉरी मात्र 8 तत्वों से हुई है। मतलब बाकी ये 2% में पूरा तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 8 प्रमुख तत्वों से ही मात्र पृथ्वी के 98% भाग की संरचना हुई है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन आता है 46.6%, सिलिका होता है 27.7%। ठीक है, फिर एक होता है एल्युमिनियम, वो होता है 8.1%। फिर होता है लोहा, ये होता है 5%। फिर आपका कैल्शियम होता है, ये होता है 3.6%। फिर होता है सोडियम, ये होता है 2.8%। फिर होता है पोटेशियम, ये होता है 2.6%। और फिर उसके बाद एक होता है मैग्नीशियम, उसकी भी कुछ मात्रा होती है। तो इस प्रकार इन्हीं तत्वों से मिलकर पृथ्वी के पूरे भूपट का 98% भाग की संरचना हुई है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कौन से तत्व हैं, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं कुछ और है तो भी आप इनमें से ऑप्शन बता सकते हैं जो ज्यादा है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के 98% क्रस्ट पे मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप इसको आसानी से बता लो। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना चट्टान। जो चट्टान है वो मुख्य रूप से 3 रूप में है। ठीक है, उसे 3 भाग में देखा जाता है। ठीक है, और वो 3 रूप है, चट्टान का 3 रूप होता है। और होता है ये सबसे पहले जो होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। इनके यही 3 प्रकार है। ठीक है, चट्टान के 3 प्रकार, आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस रॉक भी कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा जो होती है वो होती है औषादी जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, और जो तीसरा होता है वो होता है रूपांतरित चट्टान जिसे कायंत्रित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, रूपांतरित को कायंत्रित भी कहा जाता है, और इससे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, औषादी और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके इन चट्टानों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ये बनती कैसे है? तो जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा पृथ्वी के सतह के ऊपर ये ठीक है ठंडा होकर के जब पे ठोस आकृति ले लेता है, तो उससे क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण। ये लावा कभी कभी किसी कारणवश पृथ्वी के सतह के अंदर भी जम जाता है, और वहां भी क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो सतह के ऊपर भी और सतह के अंदर भी निर्माण होने के कारण हम इसे 2 रूपों में बांट कर देखते हैं। ठीक है, तो जो 2 रूप में इसे हम बांटते हैं, पहला बाह्य भाग होता है और दूसरा जो होता है वो होता है
आंतरिक भाग, पृथ्वी के सतह के ऊपर और अंदर दोनों तरफ इसके निर्माण होने के कारण हम इसे दो रूप में बांट के देखते हैं, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम पहले इसे एक एक करके इसे समझते हैं, पहले बाह्य भाग फिर हम देखते हैं आंतरिक भाग पे चर्चा करेंगे। तो बाह्य भाग में क्या होता है, जब लावा सतह के बाहर निकलता है, ठीक है, और कुछ दूर तक फैल होकर करके जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी से ठंडा होकर ठोस आकृति धारण कर लेता है, तो इसे हम ज्वालामुखी, जिसे हम ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ज्वालामुखी चट्टान या लावा निर्मित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, लावा चट्टान, ठीक है, इन्हीं से हमारे लावा पठार उठार के भी निर्माण होते हैं, ठीक है, तो जिसे हम ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं, ठीक है, तो ये बेसाल्ट, ठीक है, देखिए जब ये लावा बाहर आता है और जल्दी से ठंड हो जाने की वजह से और जम जाने की वजह से इसके रवे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिससे हम, जिसका मुख्य बहुत ही अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, जिसका एक उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान ये है बाह्य, बाह्य अग्नि चट्टान का भाग है, ठीक है, इसी को हम बाह्य अग्नि चट्टान भी कहते हैं। जब लावा सतह के बाहर आता है और जल्दी से ठंडा होकर के छोटे छोटे रवों में बढ़ जाता है और ठोस आकृति धारण कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी चट्टान या लावा चट्टान कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, इसे बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए ये चीज यहां पर क्लियर हो गई, इसके रवे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बेसाल्ट चट्टान है इन्हीं का जो क्षरण होता है, ठीक है, तो उन्हीं से हमारा क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, उसी से हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोग जानते होंगे काली मिट्टी, जिसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, जिसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, जिस जो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादातर ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बाह्य अग्नि चट्टान, ठीक है। अब हम देखते हैं आंतरिक को, अब यहां पर हम देखेंगे आंतरिक चट्टान को। तो जो आंतरिक चट्टान है इसे भी दो रूपों में बांट कर देखा जाता है, आंतरिक को भी दो रूपों में बांट जाता है, एक तो होता है पाताली चट्टान, पातालीय चट्टान, और एक होता है मध्यवर्तीय चट्टान, एक होता है मध्यवर्तीय चट्टान, ठीक है। इसे दो रूप में बांट के देखते हैं आंतरिक को भी, एक पाताली और एक मध्यवर्ती चट्टान के रूप में, ठीक है। तो अब हम यहां पे पहले पाताली को समझते हैं। तो पाताली चट्टान क्या होती है, जब पृथ्वी के धरातल में काफी गहराई पे जब लावा जम करके ठंडा हो जाता है, ठीक है, और ठंडा होकर के, ठीक है, एक ठोस आकृति धारण कर लेता है, ठीक है, जब ठंडा होता है, तो देखिए पाताली चट्टान होता क्या है, जो लावा है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होने के वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा फैलता है और इसके रवे जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिसका एक उदाहरण है ये ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब लावा धीरे धीरे जमेगा और धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर जम के ठोस आकृति लेता है, तो उसके रवे बड़े बड़े होते हैं, जिसके वजह से पाताली चट्टान का निर्माण होता है, और जिसका एक ये उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान पाताली चट्टान का एक भाग है, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे जो ये ग्रेनाइट पाताली चट्टान ये क्यों कहा, इसको हम पाताली चट्टान क्यों कहते हैं, तो पाताली चट्टान का नाम प्लूटो, प्लूटो एक यूनानी देवता है, एक यूनानी प्लूटो के नाम पे पड़ा है, जो कि एक यूनानी देवता है, और उनको पाताल का देवता कहा जाता है,
ठीक है, यूनान उनको यूनानी देवता को पाताल का देवता कहा जाता है, इसी वजह से इस चट्टान का नाम उन्हीं के नाम पर पाताली चट्टान रखा गया। ठीक, क्लियर। प्लूटो एक यूनानी देवता है, ठीक है, यूनानी देवता है प्लूटो, जिनको पाताल का देवता कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस चट्टान का नाम पाताली चट्टान रखा गया है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरा मध्यवर्ती। तो जो मध्यवर्ती चट्टान है, ये ऐसी चट्टान होती है, जो पहले समझ लेते हैं, जो मध्यवर्ती चट्टान है ये कालांतर में जब सतह पे क्षरण होता है, जब कालांतर में क्षरण होता है और क्षरण के द्वारा जैसे नदी वगैरह से जब क्षरण होता है तो उनके द्वारा ये क्या होती है, जब होता है पृथ्वी पे क्षरण होता है तो ये चट्टाने सतह पे दिखाई देने लगती है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, जब पृथ्वी पे, ठीक है, कालांतर में क्षरण होने लगता है तो क्षरण के दौरान क्या होती है, ये चट्टाने सतह पे आ जाती है, इसलिए ये हमें सतह पे दिखाई देने लगती है। इन्हीं को हम कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान। और मध्यवर्ती चट्टान के कुछ विशेष रूप होते हैं और उन्हें कुछ विशेष नामों से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम फिगर वाइज से एक और एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब मैग्मा, ठीक है, किसी कारणवश पृथ्वी के छिद्र या दरार या छिद्र में दरार में या नलिका में ही, ठीक है, अवरुद्ध होकर के जम जाता है, ठोस हो जाता है, वही मध्यवर्ती चट्टान होते हैं। ठीक है, और जब कालांतर में इनका क्षरण होता है तो ये सतह पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे। तो जब कभी कभी मैग्मा धरातल के नीचे किसी कारणवश किसी दरार में फंस जाता है, यहां से निकलने की कोशिश करता है और ये दरार में फंस जाता है और बाहर की तरफ नहीं जा पाता, तो इस आकृति को हम डाइक कहते हैं। ठीक है, इसी को हम डाइक कहते हैं। ठीक, या कह लीजिए डाइक चट्टान, क्योंकि चट्टान है, इसे हम डाइक कहते हैं। और जब कभी मैग्मा एक लहरदार रूप में, ठीक है, लहरदार रूप में जम जाए दरार में, किसी कारणवश दरार में जम जाता है और ठोस आकृति ले लेता है, तो इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। और जब यही मैग्मा ऊपर थोड़ा सा उठता है, लेकिन उसके दोनों तरफ छिद्र या दरार होने के कारण वो दोनों तरफ मुड़ जाता है और मुड़ करके तस्तरी नुमा आकृति बनाता है, एक तस्तरी नुमा आकृति बनाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैपोलिथ। तो इसे हम कहते हैं लैपोलिथ। ठीक है, अब देखिए, जब मैग्मा थोड़ा ज्यादा दूरी में फैलता है और फैल करके काफी दूरी में फैल करके एक बड़ा सा गुम्बदाकार आकृति का निर्माण करता है, जब मैग्मा ऊपर तरफ उठता है, ऊपर दरा उठ करके और कुछ ज्यादा दूरी में फैल जाता है और फैल करके एक गुम्बदनुमा आकृति बनाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैथोलिक। उसे हम कहते हैं बैथोलिक। ठीक है, और जब यही मैग्मा तेजी से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण वो हल्का सा टर्न होकर के कुछ इस तरह की, मतलब कुछ इस तरह की आकृति धारण कर लेता है, छतरी नुमा। ठीक है, इस तरह छतरी नुमा आकृति जब धारण कर लेता है, मतलब इस गुंबद छतरी नुमा या गुंबद का एक छोटा भाग होता है, इसका इसी का एक छोटा आकार है, मान लीजिए कि जब ये उठता है ऊपर की तरह, लेकिन ऊपर जगह ना पाके दबाव के कारण ये थोड़ा फैल जाता है और एक छतरी नुमा गुंबद नुमा आकृति धारण कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं लैपोलिथ। लैपो
लिथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैगोलिथ और ये बैकोलिथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक करके आप लोग समझ में आ रहा होगा। फिर जब कभी मैग्मा पृथ्वी के सतह के समानांतर, मतलब जैसे कि हमारी पृथ्वी की सतह है और इसी के समानांतर, ठीक है, इसी के समानांतर बिल्कुल 1 मीटर से 100 मीटर की मोटाई में फैल जाता है, जब 1 मीटर 100 मीटर की मोटाई में पृथ्वी समानांतर ऐसे फैल जाता है तो इसे हम कहते हैं सील, इसी को हम कहते हैं सील। और ये छत्तीसगढ़ के पठारों में, छत्तीसगढ़ में आपको ये आकृति देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये आपको देखने को आकृति मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है सील। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मध्यवर्ती चट्टान। ठीक है, और ये उनकी आकृतियां हैं। जब कालांतर में इनका क्षरण होता है, जब कालांतर में पृथ्वी को क्षरण होता है तो ये क्या होते हैं, ऊपर की तरफ सतह पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया आग्नेय चट्टान। अब हम आग्नेय चट्टान की यहाँ पे कुछ विशेषता देखें, इनकी कुछ विशेषता यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आग्नेय चट्टान कठोर और ठोस होती है, ठीक है, कठोर और ठोस होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि जो लावा होता है जब वो सतह के बाहर आता है तो बहुत गर्म रूप में रहता है, या अंदर रहता है मैग्मा तो काफी गर्म रूप में रहता है, जिसके वजह से उसके अंदर आने वाले जो जीवाश्म होते हैं उनको वो जला करके राख कर देता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न मानी जाती है, ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान होते हैं, क्योंकि इनमें लोहा, तांबा, निकेल, सोना, जस्ता, सीसा आदि बहुमूल्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके वजह से इन्हें हम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टान कहते हैं। और छोटा नागपुर पठार इन्हीं का एक अग्रभाग है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार जो भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो बहुत संपन्न है, वहां पे बहुत ही बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, वो इन्हीं का एक भाग है, आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के दो रूप, एक बाह्य एक आंतरिक, आंतरिक में दो, एक पाताली है और एक मध्यवर्ती। पाताली मैंने समझा दिया किसे कहते हैं, ठीक है, प्लूटो के नाम पे है। ठीक है, और ग्रेनाइट चट्टान उसकी एक मुख्य विशेषता, ग्रेनाइट चट्टान उन्हीं का भाग है। फिर मध्यवर्ती में मैंने आकृतियां बनाई, आपको बता दिया ये क्या होता है, ये जो कालांतर में पृथ्वी के सतह का क्षरण होता है तो ये ऊपर को सतह पे दिखाई देने लगते हैं। बाह्य में क्या होता है, जब लावा बाहर ही ठंडा हो जाए और जम करके ठोस आकृति ले ले, लेकिन उनके रवे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि वह जल्दी ठंड हो जाते हैं, उन्हें बाह्य चट्टान या इसे बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं क्योंकि वो बाह्य चट्टान का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान भी बाह्य चट्टान कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे औषधि चट्टान। औषधि चट्टान, ठीक है, तो औषधि चट्टान का निर्माण जो है वो आग्नेय चट्टान के, ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है ये इसके ही जब इसका ही अपरदन होता है या विघटन होता है और टूट टूट करके इसके अवसाद जो है वो परत दर परत जब निक्षेपित हो जाते हैं, जब इनका अपरदन होता है और हिम नदियों हिमानियों और वायु के द्वारा जब परत दर परत इनके अवसादों का
निक्षेपण होता है तो उसी को हम कहते हैं निक्षेपण होता है, और वो जम जाते हैं। निक्षेपण होने कारण उनके कण आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो वो जो बनते हैं उन्हीं को हम औषधि पठार औषधि चट्टान कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। जो आग्नेय चट्टान का जब अपरदन या विघटन होता है तो नदी वायु और हिमानियों के द्वारा उनके औषधों का को निक्षेपित किया जाता है, जब परत दर परत रूप में निक्षेपित किया जाता है, और उन्हीं से मिल करके जब वो निक्षेपित होकर के एक आकृति धारण कर लेते हैं। ठीक है, आपस में जुड़कर एक आकृति धारण कर लेते हैं, तो उन्हीं को हम औषधि चट्टान कहते हैं। औषधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि आग्नेय के औषधों से ही बनी होती है, और ये निक्षेपण के द्वारा परत दर परत जम के बनी होती है, इसलिए इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसलिए इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम इस पर औषधि चट्टान की कुछ विशेषता देखते हैं। तो जो औषधि चट्टान है, पहले तो वो परतदार होती है, ठीक है, दूसरे वो तरल होती है, आग्नेय की अपेक्षा ये क्या होती है, तरल होती है। ठीक है, यानी मुलायम होती है। दूसरी तीसरी इसमें बालू पत्थर चूना पत्थर बालू पत्थर चूना पत्थर नमक, ठीक है, सेल खड़ी, ठीक है, हमारे खनिज पदार्थ सॉरी खनिज तेल हमारे खनिज तेल और आपका कोयला, ये सब इन्हीं परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, औषधि चट्टान की विशेषता है, परतदार होती है, तरल होती है। ठीक है, इनमें बालू पत्थर चूना पत्थर नमक पत्थर सेल खड़ी या हमारे जो खनिज तेल होते हैं या कोयला होता है, ये भी औषधि चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, जो ये औषधि चट्टानों में इनका पृथ्वी पे 75% भाग पे पृथ्वी के क्रस्ट पे 75% भाग पे पृथ्वी की सतह पे इन्हीं का विस्तार है। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है पृथ्वी के सतह पे सबसे ज्यादा विस्तार किस चट्टान का है, तो आप बताएंगे औषधि का। लेकिन पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में इनका मात्र 5% भाग, जो उसका निर्माण होता है उस प्रक्रिया में मात्र 5% भाग है। लेकिन क्यों है, क्योंकि ये तो खुद आग्नेय चट्टान से मिलकर बनी है, तो इसलिए इन्हें हम द्वितीय चट्टान भी कहते हैं। इन्हें हम द्वितीय चट्टान भी कहते हैं क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से ही बनी है, और आग्नेय को प्रथम कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बनी थी। तो इनका जब क्रस्ट के निर्माण में मात्र 5% भाग होता है, लेकिन इनका जो विस्तार पाया जाता है वो सबसे ज्यादा 75% विस्तार पृथ्वी के धरातल पे इन्हीं का है। ठीक है, तो ये हो गए औषधि चट्टानों के गुणों में विशेषता हो गए। ठीक है, आपको एक बार फिर से बता दूं, औषधि चट्टान कैसे बनते हैं, ये आग्नेय चट्टानों के ही टूटने फूटने के, ठीक है, अभिघटन के द्वारा, जब नदियों हिमानियों और पवनों के द्वारा इनके औषधों को से ही का निक्षेपण होता है, इनके औषधों का निक्षेपण होता है, और वो निक्षेपण परत दर परत होता है, जिसके वजह से औषधि चट्टान बनती है। ठीक है, यानी कि ये आग्नेय चट्टान से ही औषधि चट्टान बनती है, और परत दर परत होने के कारण इसे हम परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, और ये इनकी विशेषता है, ये परतदार है, ये तरल है, में ये पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया औषधि चट्टान। अब हम तीसरा देखेंगे अपना रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण ताप दाब की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कायांतरित और ये हमारी कायांतरित सॉरी ये हमारी आग्नेय है, ये हमारी आग्नेय चट्टान है, ये औषधि चट्टान है। ठीक है, तो ताप दाब की रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही जो आग्नेय चट्टान है और औषधि चट्टान के, ठीक है, द्वारा ही रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है।
रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टान और असादी चट्टान। ठीक है, ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जब आग्नेय और असादी चट्टानों का पूर्ण तरह से रूप बदल जाता है, पूरी तरह से रूप स्वरूप चेंजिंग होता है या रूपांतरण हो जाता है, कहने में पूरा रूप ही बदल जाता है, तो उन्हीं से ये रूपांतरित चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि इन चट्टानों का एक बदला हुआ रूप जब टूट टूट के और इनका मिल करके एक ठोस आकृति धारण कर लेता है तो उसी को हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जैसे में अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये रूपांतरित होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रूपांतरित चट्टान जो है ये सबसे ठोस चट्टान होती है, सबसे ठोस चट्टान यही होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं भूल गया कि औसादी चट्टान जो है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसके वजह से ही इनमें हमें खनिज पदार्थ, खनिज तेल और कोयला वगैरह ये सब हमें इसीलिए इसमें पाए जाते हैं औसादी चट्टान में, क्योंकि इनमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और रूपांतरित में जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये सबसे ठोस होती है और ये आग्नेय और औसादी चट्टानों के कायंत्रित परिवर्तित रूप से ही इनका निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ फिगर इस चार्ट के थ्रू देखेंगे कि इनका रूप होता कैसे है, क्यों ये बदल जाते हैं। तो होता क्या, जैसे ये आग्नेय और ये रूपांतरित, यानी आग्नेय चट्टान रूपांतरित में कैसे चेंज होती है, पूरा का पूरा रूप बदल जाता है। जैसे ये ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान सीधे बदल जाती है, रूपांतरित होगी तो वो सीधे नीस हो जाती है। बेसाल्ट है, अगर वो पूरा रूपांतरित होती है तो सिस्ट हो जाती है। ग्रेवो है, वो पूरा रूपांतरित होकर सर्पेंट टाइन हो जाती है। औसादी चट्टान में क्या होता है, औसादी भी जब रूपांतरित होती है सैल है तो स्लेट हो जाएगा, बालू का पत्थर था तो क्वार्टजाइट हो जाएगा, डोलोमाइट है तो संगमरमर हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला है तो वो एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है। और आपको ठीक है, लिग्नाइट कोयला ठीक है से ज्यादा उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट कोयला होता है। अब देखिए जब ये रूपांतर, ये आग्नेय और औसादी तो रूपांतरित होती ही होती है, ये रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित होती है, मतलब ये भी अपने रूप को कभी कभी ये भी अपने रूप को परिवर्तित करती है। ठीक है, इनके बीच जैसे इनमें पाए जाने जो चट्टाने हैं वो भी कभी कभी क्या होती है, बिल्कुल परिवर्तित होती है। जैसे स्लेट है, ये एक रूपांतरित है, लेकिन ये रूपांतरण इनका हो जाता है, जब ये रूपांतरित होती है तो ये फायराइट में बदल जाती है, फायराइट सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इनका रूपांतरण होता है। तो ये चार्ट हमें थोड़ा याद करना होगा, तो क्वेश्चन हमें यहां से बनता है जैसे कि आग्नेय चट्टान अगर ग्रेनाइट का रूपांतरित क्या होगा तो नीश होगा, या ग्रेवो का रूपांतरण क्या होगा या रूपांतरण क्या होगा तो सर्पेंटाइन रूप होता है, डोलोमाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है संगमरमर होता है। ठीक है, तो ये पूछ देगा क्वेश्चन, ऐसे ही ये क्वेश्चन करेगा। ठीक है, कि या ऐसे भी पूछेगा कि बालू का पत्थर कौन सी सेल है, तो आप बता देंगे औषधि सेल है, डोलोमाइट कौन सा सेल है औषधि सेल है, अगर डोलोमाइट का रूपांतरण होता है तो कौन सा सेल बनेगा तो संगमरमर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछेगा, आपको ये चार्ट याद करना और इसको ऐसे ही आसानी से बता सकते हैं। तो ये होता है हमारा चट्टान। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आग्नेय और औसादी चट्टानों का ताप दाब की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बदल जाना रूप परिवर्तित रूप ही रूपांतरित चट्टान होता है। यानी इन्हीं के टूटने फूटने से और टूट फूट करके जो बनती है, टूटते फूटते और बदल जाते हैं और उन्हीं से जो जुड़ के जो ये चट्टान बनती है इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आग्नेय होती है जो लावा प्रक्रिया द्वारा बनती है, इसी के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा औसादी होती है का बनती है, क्योंकि ये परतदार भी होती है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, और इन दोनों के ही अपरदन और इन दोनों के ही परावर्तन रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों की ताप और दाब के कारण परावर्तित हो जाने के कारण रूपांतरित चट्टान बनती है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी के थ्रू हम आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं सरल सरल भाषा में आपको समझाएं, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो
आपको रटना ना पड़े, ठीक है। तो हमारे वीडियो जल्दी जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है।